माननीय श्री लक्ष्मीदास जी, उपाध्यक्ष दिल्ली नौशहरी स्मारक निधि, हमारी डायरेक्टर राष्ट्रीय क्षेत्रीय विद्यालय श्री शशि त्यागी जी, हमारे उप प्रधानाचार्य मीनाक्षी भट्ट, हमारे बीच में उपस्थित जी और बापू पब्लिक स्कूल से आए जो हमारी हेडमिस्ट्रेस है, मैनेजर है, बच्चे हैं, उपस्थित अभिभावकों, आज हम यहाँ पर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ पर जन्मतिथि मनाने आए हैं। मैं इसके लिए आप सबको और स्कूल को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, जो स्वरोजगार की बात करी थी, उसमें उनकी सोच थी कि जितना भी हमारे गांव है उनको उन्नत किया जाए, वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, वहाँ लोगों को अच्छी तरह बसाया जाए, जिससे कि जो आज देख रहे हैं मेट्रो स्टेज में लोग भाग रहे हैं और मेट्रो स्टेज की हालत ख़राब होती जा रही है। तो ये सोच आज से नहीं थी, ये महात्मा गांधी की सोच थी कि हम वहाँ इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को स्कूल दें, पढ़ाएं, अस्पताल दें और उसके बाद जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको सारी सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे वो पीने का पानी हो, साथ सीवरेज सिस्टम हो या दूसरी सुविधाएं उनको मिलें, तो गांव से प्लान नहीं करेंगे शहर की तरफ और गांव अच्छी तरह विकसित होंगे, ये सोच थी। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी यही सोच थी कि जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उन सबको एक एक जगह किया जाए, जिससे कि पानी की भी दिक्कत नहीं रहे और जो बाढ़ हर साल आती है अरबों रुपए का नुकसान करके जाती है वो नुकसान ना हो। मैं ज़्यादा ना भूलते हुए इस अवसर पर जो अभी शशि जी ने कहा कि हम यहाँ खादी का प्रचलन बढ़ाने के लिए हमने 20 चरखे मंगवाए हैं वहाँ से, अहमदाबाद से, वो जल्दी आ जाएंगे और हम बच्चों को यहाँ खादी काटने का काम सिखाएंगे, इससे पता लगे कि खादी का क्या आज आवश्यकता है और खादी क्यों बनती है। क्योंकि खादी हमने देखा है, हमारी माँ जो थी वो चरखा काटती थी और चरखे के बाद जो सूत बनता था उसकी दरियाँ, खेस, जो रोजाना काम आने वाली चीज़ें वो बनाती थी। आज हमने सब चीज़ जो भी है, कोई भी चीज़ चाहिए तो बाज़ार से लानी पड़ती है। पहले हमारे घर में सब चीज़ें बनती थी, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो, मक्खन हो, आज वो परंपराएं ख़त्म होती जा रही हैं और इस परंपरा की वजह से आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आदमी का रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर आदमी नौकरी चाहता है, उससे बेरोजगारी बढ़ गई है। तो आज जब तक हम अपने आप को स्वावलंबन नहीं करेंगे, अपनी जो नौकरी की जो मनोदशा है वो नहीं बदलेंगे, हम समझते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। मैं सभी जो हमारी इस राष्ट्रीय शक्ति विद्यालय की जितने भी हमारी उप प्रधानाचार्य हैं, हमारी निर्देशक शशि त्यागी जी हैं और हमारी जितने भी अध्यापकाएँ हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ क्योंकि इनको इतना अच्छा कार्यक्रम किया। मैं एक तुमको और बात बताना चाहता हूँ अभिभावकों को कि हम चाहते हैं कि आपका स्कूल और अच्छा बने। अब दूसरी बिल्डिंग में ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं, लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं, जो भी आज की सुविधाएं बच्चों को देने के लिए वो सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिससे कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, अच्छा आगे पढ़ाई कर सकें और अच्छी जगह वो आगे प्रवेश ले सकें। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर को कहता हूँ कि हमें ऐसा सुझाव बॉक्स बनाना चाहिए जिसमें आपके सुझाव हो, आपकी शिकायत हो, पता लगे कि हम स्कूल में और क्या उन्नति कर सकते हैं, स्कूल में हम क्या तरक्की कर सकते हैं, ये सब आपके विचार हम स्कूल में डालना चाहते हैं, जिससे कि आपके बच्चे यहाँ से अच्छी तरह शिक्षा लेके जाएं, अच्छे मार्क्स लें, जिससे उन्हें आगे दाखिला लेने में कॉलेजों में या और कहीं आईटीआई में जाना है या दूसरी संस्थाओं में जाना है उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसी हमारी सोच है स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।
Your words always inspire and motivate us. Thank you again. Everyone, please give him a huge round of applause. The school magazine is a symbol of pride and reflection of the culture of the school. And it is the mirror to the cream of our activities, creativity of our imagination and our expression. Under the charismatic leadership of our beloved director madam and able guidance of our respected HOS madam, our school magazine has been published. Now, I would like to request our honorable chief guest, respected director madam, HOS madam, educational advisor ma'am, and all the eminent guests to come upon stage and release the school annual magazine. Let me tell you that Ms. Jyoti Sharma is the chief editor of this magazine, and the cover page is prepared by Meenal, Tanisha and Krupa. A huge round of applause. मैम थोड़ा साथ हो प्लीज़, एवरीबॉडी लुक हियर प्लीज़, मैम प्लीज़ सामने प्लीज़ स्माइल स्माइल प्लीज़ स्माइल. Our school truly believes that good education plays a crucial role in building a bright future for our children. Our school motto is to imbibe good values and learn new things every day. On today's occasion, we would like to felicitate the achievers who brought laurels to school. First of all, I will be announcing achievers for session 2021, followed by 21-22. Due to COVID period, we couldn't have a prize distribution ceremony for session 2021. Shivansh, Prateek, Tejas, Dipanshi. A huge round of applause for these little achievers who have made us proud. इधर देखिए प्लीज़ बेटा, इधर देखो सामने मैम, थोड़ा साथ हो दिया गुप्ता मैम, थोड़ा साथ हो दिया प्लीज़. यस They have really worked hard. Now we have from class 6, Bhavika Tyagi. From 7th, we have two class toppers, Nancy Gautam, Aryan Goswami. From 8th, we have चलिए चलिए हो गया बेटा. From 8th we have Ayushi, from 9th Shivam Tomar and 11th Yashika Raj. A big round of applause for these achievers. Very well done students. Thank you everyone, and a huge congratulations to all the achievers. Now it's time to announce the class toppers of session 21-22 from classes preschool to 8, 9 and 11. From preschool we have Vidhansh,
From pre-primary, we have Swastika Vasti, Class 1, Hanshika, Class 2, Devansh Yadav, Class 3, Sarthak. इधर। Dear parents and students, please give them a big round of applause. Your applause shouldn't stop because it motivates our young aspirants, our young achievers. बेटा इधर सामने देखो। Certificate नीचे करो थोड़ा। इधर देखो इधर सामने yes। बच्चों के साथ पूरा। Now from class 4 we have Shashwat, class 5 Divyansh Dagi, class 6 Manvi Goswami, from 7th we have Shivam Shailesh. A huge round of applause for these achievers. From class 8 we have Nancy Gautam, from 9th we have Ruchi Chavla, 11th Rahul Meena. A huge round of applause for all the achievers. Keep working hard. Now it's time to announce the much awaited CBSE result of session 2021 for classes 10 and 12. Let's start with the school topper, Sudhanshu Kumar Jha. Class 10, 2021. Very well done, Sudhanshu. You have really made us proud. Then we have Samne, please. Audience, please give him a big round of applause. He is our school topper. Now we have subject toppers, Rahul Kumar Meena, Mahendra Singh, Rahul Sharma, Aman Yadav, Bhavya Agarwal, Aryan Utkarsh and Shifra Shailesh. Please give them a big round of applause. From class 12, we have our school topper Himanshi and Ravina Meena. So we have two school toppers from class 12. Give both the girls a huge round of applause. It's a proud moment for all of us. Now we have subject toppers Sachin, Krishna, Janvi, give them a huge round of applause. Chetan Badwa, Aditya, Jatindar, Vivek, Lavina. Audience, please give them a big round of applause. It boosts their confidence. Now we have Sahil and Diksha. Samne, please. Thank you. Now it's time to announce the CBSE result of session 21-22 for classes 10 and 12. First of all, let me call upon the school topper, Shivam Tomar. A huge round of applause for him. And we have subject toppers as Vinay, Bahar and Kashish Tyagi. Very well done, students. Keep working hard and make your school proud. Congratulations. Now from class 12, we have Prateek Agarwal as our school topper for section 21-22.
now we have subject toppers Yashika Raj, Priya Sharma, Himanshu Kumar Jha, Himanshi. Please give them a big round of applause. All the best students for your future endeavors. Now we have Chirag, Anu, Vanshika, Ujjwal and Sunaina. They are all subject toppers. A huge congratulations to all the achievers. Keep working hard, students. Our CBSE school toppers and subject toppers are awarded with mementos, certificates and cash awards by the management of Rashtra Shakti Vidyalaya. So now I would like to call upon Sudhanshi Kumar Jha, Himanshi, Raveena Meena, Shivam Tomar and Pratik Agarwal. Let me tell you again that these toppers and subject toppers are awarded with mementos, certificates and cash awards by the management of Rashtra Shakti Vidyalaya. We also have Yashika Raj and Chirag. They are also awarded with cash prize. Sir, Samne please. Thank you. Now, I would like to mention the teachers who really worked hard for getting the excellent CBSE result for class 12. First of all, I welcome Ms. Parish Taneja of PGT Commerce with a big round of applause. Under her able guidance, Yashika Raj was able to score a perfect 100 in business studies. A big round of applause for Paris ma'am. Now, with a huge round of applause, welcome Ms. Jyoti Sharma, PGT Chemistry. She has been associated with ISV since 2013. Apart from her academic excellence, she also has an immense contribution in branding of the school on Twitter, Instagram, YouTube and Messenger, which is worth praising. She is the chief editor of our school magazine. Here I would like to apprise that Ms. Jyoti has edited more than 500 school videos along with 500 educational videos. Now I would request our respected HOS madam, Ms. Meenakshi Bhatt, to come upon stage for a vote of thanks. Thank you, Shilpi ma'am. A very good thank our honorable chief guest, Mr. Mangal Ramji, for who graced this occasion with his inspirational thoughts. I would also like to thank Shri Lakshmi Raji, Lata sir, and all the SNC members and all other dignitaries who graced this occasion. Then I would also like to thank all the staff members, all the participants, fourth class employees, and last but not the least, all the parents who have taken the time out of their busy schedule on this Sunday to grace this occasion. Once and all, thank you very much. Now I hand over the mic to our anchors, Lucky and Kashish. In the end, I would like to invite all the stars of the day on stage for grand finale. Please welcome them with a huge round of applause. Thank you.
सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे छात्रों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। अपने ग्रीन रूम में जाएंगे, पीछे से अबाउट टर्न चलना शुरू कीजिए। सभी बच्चे अपने ग्रीन रूम में जाएंगे और वहां से चेंज करके रिफ्रेशमेंट लेके फिर पेरेंट्स के पास जाएंगे। चलना शुरू कीजिए। अभिभावकगण, आप सभी से अनुरोध है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस इवेंट एंड मेकिंग इट सक्सेसफुल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।